नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। विकास व जनकल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने गत 3.5 वर्षों में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनमें से एक है प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजना जनमंच। जन शिकायतों के त्वरित निवारण तथा विकास में जन भागीदारी के लिए प्रभावी प्रशासनिक तंत्र विकसित करके जन सामान्य को जवाबदेह एवं पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा जनमंच आरंभ किया गया है। जनमंच जनता से सीधा संवाद स्थापित कर जन शिकायतों का त्वरित निवारण करने में सार्थक मंच सिद्ध हुआ है। 3 जून 2018 को प्रथम जनमंच का आयोजन किया गया। तब से अब तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में 211 जनमंच आयोजित किए जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण एहतियातन जनमंच स्थगित रखे गए, परंतु अब इसे पुनः आरंभ किया जा रहा है। 12 सितंबर को प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनमंच का आयोजन किया जा रहा है। जिला मंडी के करसोग में जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर, जिला शिमला के जुब्बल कोटखाई में शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज, जिला हमीरपुर के नादौन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी, जिला ऊना के कुटलैहड़ में पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर, जिला सोलन के दून में उद्योग मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर, जिला कुल्लू के आनी में शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर, जिला सिरमौर के पच्छाद में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी जी में ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी, जिला कांगड़ा के नगरोटा में वन मंत्री श्री राकेश पठानिया, जिला किन्नौर के निचार में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग तथा जिला चंबा के तीसा में विधानसभा उपाध्यक्ष श्री हंसराज जनमंच के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करेंगे। अब हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाओं को पानी लाने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता, ये संभव हुआ है प्रदेश सरकार के हर घर को नल से जल प्रदान करने के प्रयासों से। हिमाचल सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर को नल से जल का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासरत है। मिशन के अंतर्गत देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित टशिगंग गाँव में भी हर घर में नल से जल पहुँचाया जा रहा है। कोरोना महामारी में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार जल जीवन मिशन को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कर रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में देश भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में अग्रणी है। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के बरांग गांव की महिलाओं को कुछ साल पहले तक पेयजल लाने के लिए रोजाना करीब कोस भर जाना पड़ता था। इसमें उन्हें भारी परिश्रम और समय जाया करना पड़ता था। राज्य के अधिकांश गांवों में महिलाओं की कमोबेश यही स्थिति थी। अब जल जीवन मिशन से देवभूमि के इन गांवों की तस्वीर बदल रही है। इस योजना से सबसे ज्यादा राहत महिलाओं को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को देश में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिसे उसी साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने इस योजना को वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मोदी जी के सपने को साकार करने में हिमाचल प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य में ये मिशन जुलाई 2022 तक शत प्रतिशत हासिल कर लिया जाएगा। मिशन शुरू होने तक राज्य के 17.04 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 7.62 लाख घरों में नल से जलापूर्ति की व्यवस्था थी। पिछले करीब 2.25 साल में राज्य के 5.45 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। अब राज्य में 13.08 लाख से अधिक घरों में नल से जलापूर्ति हो रही है। राज्य के 3 जिले ऊना, किन्नौर व लाहौल स्पीति, 11 ब्लॉक और 8638 गांव हर घर जल बन गए हैं। बाकी घरों में जुलाई 2022 तक जलापूर्ति देने का लक्ष्य है। राज्य के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी इस योजना से जोड़ा गया है। मिशन के तहत बेहतर प्रदर्शन की वजह से हिमाचल देश का एक ऐसा राज्य है जिसे केंद्रीय अनुदान की शेष सभी किश्तें मिल चुकी हैं। यही नहीं, राज्य को प्रोत्साहन के रूप में गत वर्ष सबसे अधिक
221 करोड़ रुपए की धनराशि भी मिली है। राज्य की जयराम सरकार मिशन के तहत जल संरक्षण एवं संग्रहण जैसी योजनाओं पर भी कार्य कर रही है ताकि गिरते भूजल स्तर पर अंकुश लगाया जा सके। शुद्ध पेयजल, बेहतर कल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1144 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 186 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 952 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 32,91,074 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 30,74,506 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 215,463 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 210,329 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,501 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।